हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एएनएम जीएनएम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आगे प्रोसीड हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नया इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है जो कि आपके एडमिशन के रिगार्डिंग है कि आपका एडमिशन मेरिट लिस्ट कब आएगी। ये अभी तक वेबसाइट के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन आप कंफर्म रहिएगा कि जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो हम अभी हाल से तैयार कर लें, तो इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो स्टूडेंट यहाँ पर जिन लोगों ने फॉर्म डाला है और जिनकी मेरिट हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ से लगभग बराबर या ज़्यादा है तो वो कन्फर्म रहें कि उनका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। अब कितना कट ऑफ हमारे द्वारा बताया गया है, चैनल के द्वारा बताया गया है, उस पर विस्तृत वीडियो आ चुके हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। अगर आपके पास इस समय नहीं है तो अभी भी आप तैयार करवा सकते हैं। सबसे पहले आपका हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट। जो स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट हैं जिनका सनद और मार्कशीट अलग अलग आता था तो वो दोनों डॉक्यूमेंट, अदरवाइज जिनका मार्कशीट एंड सनद एक में ही आता है तो वो अपना हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट ये बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि एडमिशन के टाइप में ये आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपके प्रशिक्षण संस्थान में जमा हो जाते हैं। यानी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, और उसके बाद में डोमेसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने इस समय अपलोड किया था। अगर आपने कुछ अदरवाइज कुछ भी अपलोड कर दिया है लेकिन आपको वेरिफिकेशन के समय आपको यहाँ पर उपलब्ध कराना होगा। और उसके बाद में एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आप जब एडमिशन कराने वहाँ पर जाएंगे वहीं पर आपको दिया जाएगा कि हम बिल्कुल जो भी यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन है हम उनको लागू करेंगे और कोई कुछ भी अनफेयर मीन्स नहीं करेंगे। ऐसा एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको वो वहीं पर भरना है। अदरवाइज यहाँ पर आप कुछ डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लीजिए अगर आपके तैयार नहीं है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद में डोमेसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद में आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा सकते हैं। और उसके बाद आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट अगर आपने कहीं अलग दे रखी है किसी प्रशिक्षण संस्थान को तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जब आपका एडमिशन होगा तो वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल जमा करवा लिए जाते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर डाउट में रहते हैं कि यहाँ पर टीसी भी लगेगा, तो यहाँ पर डिप्लोमा है आपका, कोई भी टीसी यहाँ पर नहीं लगता है, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई भी नहीं लगता है। कन्फर्म रहिएगा कि यहाँ पर कोई भी टीसी मांगते नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए हैं, वो बिल्कुल आप प्रिपेयर रखिएगा। और कभी भी आपका ये नोटिस आ सकता है आपकी मेरिट लिस्ट के बारे में, जैसे ही कोई नया अपडेट प्राप्त होगा आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। कौन कौन स्टूडेंट के ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो प्रॉब्लम स्टूडेंट में आ रहा, बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर आ रहा था कि कौन सा करेक्टर सर्टिफिकेट लगाएं, तो आपने जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट लगा दिया है वो बिल्कुल आप तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि वेरीफिकेशन के टाइम यानी एडमिशन के टाइम आप में ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं।